प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा को मिली जीत का प्रदेश में बड़े उत्साह से जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के इस रिकॉर्ड तोड़ जीत की बधाई देने वालों का पार्टी के शीर्ष नेताओं के निवास व ऑफिस में तांता लगा हुआ है। वहीं डोहाना में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के निवास स्थान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी और खुशी के इस मौके पर सुभाष बराला के साथ एक सेल्फी लेकर अपनी खुशी साझा की। वही सुभाष बराला ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी की नीतियों और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की जीत है। ये जो जीत है हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर, ये ऐतिहासिक जीत है। आज तक किसी भी पार्टी की अपने दम पर इतनी बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई। ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम पे, उनके नाम पे, और हरियाणा में जो सरकार हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने जो हरियाणा की जनता का विश्वास जीता है 4.5 साल में, उसकी जीत है। और ये जीत हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को समर्पित है और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों समर्थक हैं, लाखों सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत की कार्यकर्ता की जो अथक मेहनत है, उसकी जीत है। और मैं समझता हूँ इस जीत ने बड़े बड़े द्वंद्वों को हरा करके, हराशाई करके एक नया इतिहास हरियाणा प्रदेश में रचने का काम किया। ये कोई मेरी तरफ से तोहफा नहीं, ये हरियाणा की जनता का तोहफा है। हरियाणा की जनता ने दिल से नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया, हरियाणा की जो सरकार है उसकी नीतियों को स्वीकार किया। और मैं समझता हूँ पहले भी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए नीतियाँ लागू की हैं, विकास की परियोजनाओं के लिए अपार पैसा उन्होंने उपलब्ध करवाया है। तो भविष्य में और ज्यादा दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के साथ साथ हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे। साथ ही सुभाष बराला ने इस जनादेश के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत बधाई दी। प्रथम तहलका के लिए जोहाना से नवल सिंह। प्रथम तहलका न्यूज़।